छह सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड राज्य ऊर्जा श्रमिक संघ ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। कर्मचारी संघ के लोग बिजली बोर्ड में ठेका सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के कार्यकारी निदेशक के वर्मा के भरोसे के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय के पास आंदोलन कर रहे झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। संघ के लोग बिजली बोर्ड में ठेका प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे थे। बिजली कर्मियों के नेता अजय राय ने कहा कि उनकी मांगों पर ऊर्जा विकास निगम ने सकारात्मक रुख दिखाया है, लिहाजा उन्होंने हड़ताल पर जाने का अपना फैसला वापस ले लिया। क्या हुआ, हम लोगों ने छह सूत्री मांगों को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किया था, लेकिन छह मांगों पर प्रबंधन ने अपनी सहमति दी है और छह मांगों पर बकायदे निर्णायक मंडल की बैठक में वो सारे मुद्दे ले जाने की बात कही है और बहुत पॉजिटिवली तरीके से, जो दो दो डायरेक्टर वहाँ वार्ता में बैठे थे उन लोगों ने खुल करके कहा कि हम लोग एकदम पॉजिटिव रूप से, क्योंकि आप लोग का जो डिमांड है वो जायज है और इसको निर्णायक मंडल की बैठक में हम लोग ले जाएंगे और महीने भर के अंदर ले जाएंगे। सहमति बना है कि चूंकि सारे मामलों पर सहमति बनी है, इसको लेकर के आज से जो हड़ताल था उसको हम लोग तोड़ते हैं। आइए जानते हैं किन मांगों को लेकर श्रमिक संघ के लोग आंदोलन कर रहे थे। आउटसोर्स खत्म करके ऊर्जा निगम में 2017 से पूर्व की व्यवस्था बहाल हो। होमगार्ड के तर्ज पर मानव दिवस कर्मियों को 1,000 रुपए मानदेय 4 वर्गों में तय हो। पारा शिक्षकों के तर्ज पर अनुबंध का कार्यकाल 60 साल किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद 10 साल वालों को स्थायी किया जाए। वितरण और संचरण में एरियर घोटाले की तुरंत जांच हो। कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। इससे पहले झारखंड राज्य ऊर्जा श्रमिक संघ के लोगों की एक बैठक ऊर्जा विकास निगम के कार्यकारी निदेशक के वर्मा के साथ हुई। उन्होंने कर्मचारियों के हितों में तत्काल उनकी मांगों पर सकारात्मक सहमति दिखाई। उन्होंने वार्ता में उठाई गई मांगों पर जल्द बोर्ड प्रबंधन की बैठक में प्रस्ताव लाने की बात कही है। को हम सकारात्मक रुख लेते हुए जो मांगे हैं उस पर कंपनी का एक बतौर एक निदेशक अपनी सहमति देते हुए हम इसे पुनः बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष रखेंगे, कंपनी के समक्ष रखेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे श्रमिक संघ के साथ रूबरू हो करके बात करके और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझे और सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले। इस पर श्रमिक संघ भी अपनी सहमति दिया है और यही एक समाधान है। बहरहाल ठेका प्रथा के खिलाफ झारखंड राज्य ऊर्जा श्रमिक संघ के आंदोलन का असर हुआ है। ऊर्जा विकास निगम ने एक कमेटी बनाकर एरियर घोटाले की जांच की बात कही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूजा के दौरान किसी प्रकार का बिजली संकट नहीं होगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।